वेलकम टू माई चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आज क्लास फर्स्ट का EVS का चैप्टर नंबर 10, वी नीड शेल्टर। ओके, वी नीड शेल्टर। शेल्टर मीन्स क्या होता है? हमारी घर, घरौंदा, या फिर जैसे कि रहने वाली जगह जहाँ पे हमें कहीं आश्रय मिल सके, जहाँ पर हम रुक सकें। ओके, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं दो बच्चे हैं, यहाँ पर आपस में बात कर रहे हैं। सो सी, देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, देखो कितना सुंदर घर है। दीज बर्ड्स आर मेकिंग, ये किन्होंने बनाया? ये इन बर्ड्स ने बनाया है। यस, इट इज ब्यूटीफुल, हाँ ये बहुत सुंदर है। ओके, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं ना। लाइक बर्ड्स, जैसे कि बर्ड्स होते हैं ना, बिल्कुल उन्हीं की तरह। एंड अदर एनिमल्स, और जो अलग एनिमल्स होते हैं ना, जो और भी एनिमल्स होते हैं, उन्हीं की तरह वी ऑल्सो नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें भी घर की ज़रूरत होती है उसमें रहने के लिए। अ हाउस गिव अस शेल्टर, जो एक घर होता है वो हमें क्या देता है? शेल्टर देता है। मीन्स छत, जैसे कि पूरा हमारा घर हो जाता है ना, घरौंदा बन जाता है, हमें उसमें रहने के लिए जगह मिलती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, ये जो होता है हमें किसे प्रोटेक्ट करता है? हमें हीट से, हमें कोल्ड से, और रेन से हमें प्रोटेक्ट करता है, और वाइल्ड एनिमल से, और स्टॉर्म से। ओके, वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? जो जानवर हमें मार सकते हैं, ठीक है, जो खाते हैं ना, जो जानवर इंसानों को खा लेते हैं, उसी तरीके के। सेम स्टॉर्म जो भी होते हैं, जो भी तूफान आता है, आंधी आती है, बहुत तेज बारिश आती है, कुछ भी आता है, उस तरीके की चीज़ों से हमें, हमारा जो घर होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स, और ये जो है हमें क्या करता है? थीव, जो चोर होते हैं ना, उनसे, और जो भी रोड पर घूमने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनसे भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे इस पिक्चर के अंदर क्या दिखाया हुआ है हमें, टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस कितने तरीके के होते हैं वो इसमें दिखाया हुआ है। हाउसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हाउसेज जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। जो कच्चे हाउसेज होते हैं और पक्के हाउसेज, ये दो तरीके के हमारे हाउसेज होते हैं। कच्चा हाउसेज किसे होते हैं? अ कच्चा हाउसेज इज मेड ऑफ थिंग्स लाइक वुड, स्ट्रॉ, बैम्बू, मड एंड ड्राई लीव्स। ओके, जो कच्चे घर जो होते हैं, जो कच्चा हाउस जो बना होता है, वो किससे बना होता है? वुड मीन्स लकड़ी से बना होता है, वो स्ट्रॉ से बना हो सकता है, बैम्बू भी एक लकड़ी ही होती है एक तरीके से। बैम्बू प्लांट जो आता है, आपने देखा होगा ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं वो कई सारी जगह पर, उससे लोग अपना घर बनाते हैं। मड, मिट्टी से, और ड्राई लीव्स यानी कि जो सूखे हुए पत्ते होते हैं ना, पौधे सूखे हुए जो पत्ते हो जाते हैं, उनसे कच्चे घर बने होते हैं। कच्चा हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, कच्चा हाउस जो होते हैं वो ज़्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं? हमें विलेजेस में मिलते हैं, हमें गाँव में मिलते हैं वो। ओके, आप कभी भी गाँव गए होंगे, आपने मोस्टली वहाँ पर देखा होगा कि कच्चा हाउसेज वहाँ पर ही होते हैं। पक्का हाउसेज हमें कहाँ मिलते हैं? पक्का हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन टाउन एंड सिटीज़, जितने भी पक्के हाउसेज होते हैं वो मोस्टली हमें कहाँ मिलते हैं? हमें वो टाउन्स में और सिटीज़ में, जो शहर होते हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। दे आर मेड ऑफ थिंग्स लाइक सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, कॉन्क्रीट एंड वुड। ये जो होते हैं ज़्यादातर ये किन चीज़ों से बने होते हैं? ये बने होते हैं सीमेंट से, ब्रिक से, आयरन यानी कि लोहे से, और कॉन्क्रीट जो कंकड़ वगैरह होते हैं ना उनसे, और वुड से। चाइना लिव्स इन अ पक्का हाउस, जो चाइना है वो कहाँ रहती है? वो पक्का हाउस में रहती है। शी इज़ इन बैंगलोर, वो एक बंगलो में रहती है। अ बंगलो यूजली हैज़ अ लार्ज गार्डन इन फ्रंट, जितने भी बंगलो होते हैं उनके आगे एक लार्ज गार्डन जैसा बड़ा होता है ना, जैसे कि आपने देखा है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो होती हैं, जो मल्टी स्टोरेज होती हैं, जिसे हम फ्लैट्स भी बोलते हैं। बंगलो होते हैं कि एक ही घर होता है, उसके आगे बाहर पूरी बहुत सारी जगह होती है, गार्डन होता है बड़ा सा ना, उस तरीके का। सिंगल स्टोर्ड हाउस भी बोलते हैं हम उनको, सेम बंगलो की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें बाहर स्पेस कम होता है। बंगलो जो होते हैं उनमें बाहर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, उनमें गार्डन वगैरह दिया होता है। और मल्टी स्टोर्ड हाउस, और कई सारे हाउसेज जो होते हैं वो मल्टी स्टोर्ड होते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक वो बहुत सारे बने होते हैं। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेज, ये पक्का हाउसेज की टाइप है। अपार्टमेंट बिल्डिंग, बंगलो, सिंगल स्टोर्ड बिल्डिंग, सिंगल स्टोर्ड हाउस, और मल्टी स्टोर्ड हाउस। ओके, ये जो होते हैं ये हमारे घर इसी तरीके के होते हैं। नेक्स्ट पेज पर भी हम देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। अब यह हुआ है टाइप्स ऑफ रूफ्स। रूफ्स क्या होती हैं? रूफ मीन्स छत, कि हमारी जो छत होती है वो कैसी होती है।
हॉट प्लेसेस हैव हाउस विथ फ्लैट रूफ्स। जितनी भी हॉट प्लेसेस होते हैं ना, जहाँ पर थोड़ा गर्मी होती है, तो वहाँ पे जितनी भी रूफ्स होती हैं, जो छत होती हैं, वो फ्लैट होती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये फ्लैट होती है। ओके, अ प्लेस विद हैवी रेन एंड स्नोफॉल हैव हाउसेस विद स्लोविंग रूफ्स। और जितनी भी वैसी जगह होती हैं, जो ठंडी जगह होती हैं, वहाँ पर जो है स्लोव वाले घर होते हैं। किस लिए? जैसे कि स्नोफॉल हो या रेन्स हो, तो वो पानी जैसे ही गिरे वो तुरंत नीचे गिर जाएगा। यानी कि इस तरीके की छत पे होगा तो वो पानी ठहर जाएगा, रुक जाएगा। अगर इस तरीके की छत होगी और बारिश होगी तो ये तुरंत पानी नीचे आ जाएगा। ओके, हैव हाउसेज विद स्लोविंग रूफ्स, दिस हेल्प स्नो एंड रेन वाटर टू स्लाइड डाउन द रूफ। और ये जो होता है, इससे क्या होता है, इससे हेल्प होती है पानी को नीचे जाने के लिए। पानी एकदम से नीचे चला जाता है, स्टोर नहीं हो पाता। इस तरीके के घर अगर हम ठंडी जगह पर बनाएंगे, जहाँ स्नो होती है वहाँ बनाएंगे, या बारिश वाली जगह पर बनाएंगे, तो क्या होगा, पानी रुक जाएगा। बट अगर ऐसी वाली रूप से होंगी तो पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, है ना। अ गुड हाउस, तो गुड हाउस कौन से होते हैं? अ गुड हाउस, अ हाउस दैट इज नीट एंड क्लीन। जो भी घर नीट, एकदम साफ सुथरा होता है, उसको हम गुड हाउस बोलते हैं। इट मस्ट हैव द फॉलोइंग थिंग्स इन इट, इसमें ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। जैसे कि मैनी डोर्स एंड विंडोज टू लेट द सनलाइट एंड फ्रेश एयर। उसमें बहुत सारे घर, बहुत सारी विंडोज और डोर होने ज़रूरी हैं, जिससे कि बाहर की जो सनलाइट होती है और फ्रेश एयर जो होती है, वो घर में अंदर आ सके। लॉट्स ऑफ प्लांट्स, और हमें बहुत सारे प्लांट्स रखने चाहिए। डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट, जितना भी थ्रो हो करना है हमें, जो भी वेस्ट सामान होता है हमारे पास में, जैसे गार्बेज वगैरह कुछ भी अगर होता है, तो उसकी थ्रो करने के लिए, उसको फेंकने के लिए हमें हमारे पास में डस्टबिन भी होना चाहिए। वही घर अच्छे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।